ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित ग्राम स्वराज दिवस में बेहतर कार्य करने वाले ग्राम प्रधान अधिकारी कर्मचारी हुए सम्मानित। डीएम ने कहा जिले के 105 गांवों में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16 योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को किया जा रहा है संतृप्त। कई सालों से फरार 25,000 का इनामी खोराबार का हिस्ट्री सीटर चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने किया खुलासा। मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण का एसएसपी ने दिया निर्देश। गोरखपुर के गौरव अंशु श्रीवास्तव ने आईएएस की परीक्षा में पाई कामयाबी, घर वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। लगातार 3 बार इंटरव्यू के बाद 4th बार मिली सफलता। सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुई 10 केंद्रों पर चल रही मदरसा बोर्ड की परीक्षा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के अंजुमन तालीमाते दीन ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत। कुशीनगर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेटों ने निकाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता रैली। आजाद भारत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कहा सत्ता में आए तो बदल कर रख देंगे भारत की तस्वीर। 1 साल नई मिसाल चित्र प्रदर्शनी का जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने किया उद्घाटन। ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत लगाया गया वार्ड नंबर 1 में कैंप, जन प्रतिनिधियों ने किया योजनाओं का रियलिटी टेस्ट, समस्याओं के बाबत की आम जनता से बातचीत। गोरखपुर महिला समिति द्वारा शिविर लगाकर राहगीरों के बीच बांटा गया खाद्य पदार्थ। और अंडर 19 सेलेक्शन मैच में बस्ती क्रिकेट टीम ने गोरखपुर क्रिकेट टीम को 3 विकेटों से हराया।